पर्पल माउंटेन के बारे में बताया था। हम उसके एक और साइड पर्पल पैलेस आए हैं, जो एक होटल है। वो हमारे आगे पर्पल पैलेस है और ये पीछे हमारा सारा पर्पल माउंटेन है। पर्पल माउंटेन सीरीज के पार्ट वन की तरह इस वीडियो में भी आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि हम इसमें आपको बताएंगे कि पर्पल माउंटेन में ऐसी क्या खास बात है कि टूरिस्ट यहां आए बगैर नहीं रह सकते। लेकिन अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल निमिबिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वैसे तो चाइना का शहर नानजिंग एक वादी की तरह है, लेकिन पर्पल माउंटेन नानजिंग शहर के तकरीबन बीच में है और इसका एरिया 20 किलोमीटर है। हम आपको लास्ट पार्ट में पहले ही बता चुके हैं कि इस पहाड़ की टॉप अक्सर पर्पल क्लाउड से ढकी होती है, जिसकी वजह से इसको पर्पल माउंटेन कहते हैं। इसके अलावा इसके पत्थर भी पर्पल कलर के हैं, जिसकी वजह से इसको माउंट जिलिंग भी कहते हैं। पर्पल माउंटेन के मशहूर होने का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस पहाड़ पे तकरीबन 200 हेरिटेज और सीनिक साइट्स हैं। इसके अलावा यहाँ 3 रिसर्च सेंटर्स, हाइकिंग और साइकिलिंग के बहुत से ट्रैक्स हैं। वैसे तो चाइना में कई एम्पायर गुजरी हैं, लेकिन नानजिंग एक जमाने में मिन डायनेस्टी का कैपिटल था और जंग के दिनों में पर्पल माउंटेन की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती थी। Oh,
नाइस स्टे के लिए यहाँ पे बहुत से हट्स हैं, लेकिन 3 से 4 बेड वाली कैरावैन भी रेंट पे अवेलेबल हैं, जिनमें आप अपनी मर्जी की लोकेशन पे स्टे कर सकते हैं। परवा माउंटेन में आपको हर जगह दरख्त ही दरख्त नजर आते हैं, इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर बाकी शहर से कम होता है और इसी वजह से इसको लंग्स ऑफ नानजिंग भी कहते हैं।